औसबिलम शितवान वाजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड दिस इज योर इंग्लिश बुक ग्रेड सिक्स। आप देख सकते हैं कि कल हमने अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर टू स्टार्ट किया था, जो कि एक पोइम थी, और मैंने उसके आपके आपको वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस के पिक्चर्स भी प्रोवाइड की थी। और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उसके अलावा हमने इसकी समरी करनी है। समरी का टास्क थोड़ा डिफरेंट है, सो ये आपकी समरी है और मैं इसकी रीडिंग भी आपको करके दे देती हूँ, ठीक है? और मैं इंशाल्लाह आपको इसके साथ में पिक्चर्स, आई थिंक सो, अब ज़रूरत पिक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगी। यह है द ब्रूक। द ब्रूक राइटर बाय अल्फ्रेड, सॉरी, द ब्रूक राइडर, द ब्रूक राइटर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टैनिजर्स। इन दिस पोएम द ब्रूक रेफर्स इट सेल्फ टू लिविंग बींग। दिस इज कॉल्ड प्रिफिकेशंस। द वर्ड आई एक्सप्लेन इट, द ब्रूक सडनली इमर्जेस फ्रॉम ए प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय कोट एंड हेरॉन्स। इट फॉल और डाउन अ वैली मेकिंग अ क्रेलिंग नॉइस। द पोएट यूजेज न्यूमेरिकल्स रेफरेंसेस लाइक थर्स्टी हिल्स 20 drops and half hundred bridges. The brook joined the brimming river at Phillips from the line for mess may come and men may go, but I go on forever. Explain the brook is immortal. Also, this line is a refined refrain. The brook makes a chattering noise as it passes over story way and in the little shops and trebles into adding bass. ये आपकी समरी है जो आपने, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है। लर्न करके आपने अपने राइटिंग पैड पे राइट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको जो चीज़ करवाऊँगी वो है आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो इसके बुक पे 5 क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चन आंसर मेंशन है, लेकिन हम सारे नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट ओनली 3 क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट के लेसन के हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो सेकंड के आपने सिर्फ फ्यू करने हैं। आंसर्स दिस क्वेश्चन आर, वेयर डज द ब्रूक कम फ्रॉम। ब्रूक कहाँ से आया? द ब्रूक कम्स फ्रॉम द प्लेस विच इज़ फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय कोर्ट एंड हॉन्स। वेयर डज द ब्रूक जॉइन द रिवर्स। द ब्रूक डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ ए स्ट्रीम फ्रॉम इट्स place of origin to make the river status join. Why do the waters of the brook sparkle? The brook sparkles because of the sun rays which shine on its water. आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन इसके जस्ट ओनली करवाए हैं। आपको मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 4, 3 वाला फाइबर और 6 वाला कट है जो आपने नहीं करने। स्टोरी के इतने चीज़ इनफ होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने जो बिगेस्ट चीज़ होती है वो हमने करनी होती है समरी। सो दैट्स वाई मैंने आपको 3 क्वेश्चंस ओनली करवाए हैं। सो इस तरह से मैं आपके चैप्टर का रिकैप भी रेडी कर देती हूँ। हमने इस चैप्टर में सिर्फ सबसे पहले स्टार्ट जो किया द ब्रूक का, मैंने आपको वर्ड बैंक को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद रीडिंग आपको वो अवली सेंड की थी पूरी आपकी स्टोरी की। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉपी पर जो आपने सिर्फ 4 चीज़ें इसकी करनी है। 4 चीज़ें कौन कौन सी करनी है? वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स, और समरी आपने राइट करनी है, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स की फिर मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैं सेपरेटली भी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और समरी की पिक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये आपका टास्क, और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है? ये वाली चीज़ आपकी कट है, आपने नहीं करनी इसमें से, और कोई चीज़ नहीं करनी। हाँ, ये एक टास्क मैं आपको साइन करूँगी कि आपने ये करना है, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाइलाइटेड वर्ड। जो हाइलाइटेड वर्ड है उसके रिप्लेसमेंट में आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो आपने करना है। लास्ट टाइम ईडीएम्स थे, तो दैट्स वाई मैंने आपको सॉल्व करके दी थी, लेकिन इस दफ़ा ईडीएम नहीं है, ये ईजी वर्ड्स हैं, सो आप ईजिली आप कर सकते हैं। मीनिंग हमने मैंने आपको करवाए हैं, तो आप ईजिली इसको सर्च करके तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका टास्क है कि आपने अच्छे तरीके से इसको ना करना है, और इस स्टोरी की सिर्फ आपने यही चीज़ें करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। आज का आपका यही टास्क है, और स्पीडी काम करने का मकसद सिर्फ यही था कि बेटा आपके आगे से समर ब्रेक स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम, थोड़ा स्पीडी काम इसलिए करवा रही हूँ कि कल इंशाल्लाह हम अपना ग्रामर का काम करेंगे, इसलिए कि आपके सिलेबस में भी ये 2 ही चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है, तो आप घर बैठ कर अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकें और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा, और
अच्छे तरीके से अपने दिए हुए टास्क को जो भी आपको असाइन किया हुआ आप अच्छे तरीके से लर्न करके तो नोटबुक रेडी करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।